हेलो दोस्तों, मैं राजेश वर्मा, आप देख रहे हैं रिया होम सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फ्रिज को जब हम गीली हाथ से छूते हैं या अचानक से छूते हैं तो फ्रिज हमें एक झटकेदार करंट देती है, तो फ्रिज में करंट क्यों आता है हम उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, फ्रिज में करंट आने का पहला कारण हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वायर खुली है तो घर में छोटी छोटी चूहे वगैरह घूमती है, तो इस वायर को अगर वो डंक मार दे, काट दे, हल्की सी वायर अगर छिला जाए तो छिली हुई तार बॉडी से टच हो तो पूरी फ्रिज की बॉडी में करंट आ जाता है, ये पहला कारण। दोस्तों, फ्रिज में करंट आने की हम दूसरी कारण देखते हैं, फ्रीजर के ऊपर जो आइस जमती है तो वो पानी बनकर पीछे इस तरफ गिरता है, तो अगर ट्रे फूटा हो तो कंप्रेसर से होते हुए यहाँ रिले ओएलपी की साइड से होकर पानी नीचे गिरता है, जिससे वो रिले ओएलपी जो है नमी हो जाती है, नमी होने के कारण से भी पूरी फ्रिज की बॉडी में करंट आ जाता है। दोस्तों, करंट आने का अब हम यहाँ पे तीसरी कारण देखते हैं, जब कंप्रेसर चलता है तो कंप्रेसर के अंदर की अगर वाइंडिंग शॉर्ट हो गई हो उससे कंप्रेसर की बॉडी में करंट आ जाती है, और कंप्रेसर की बॉडी में करंट हो तो पूरी फ्रिज में करंट आ जाती है। इस तरह से जब हम फ्रिज को छूते हैं गीली पैर या गीली हाथ से, या अचानक से हम छू देते हैं फ्रिज को जहाँ पर पैंट उखड़ी हो, तो हमें एक झटकेदार करंट लगता है। दोस्तों, अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो हमें सबसे पहले ये चेक करनी है कि हमारे घर में अर्थिंग है या नहीं, और फ्रिज के पास अर्थिंग की वायर जुड़ी है या नहीं। अगर नहीं जुड़ी है तो हमें फ्रिज में अर्थिंग की वायर ज़रूर जोड़ लेनी चाहिए। इससे ये होगा कि फ्रिज की बॉडी में आ रही होगी करंट, वो अर्थिंग के थ्रू ज़मीन के अंदर चले जाएगी और हमें फ्रिज की बॉडी में करंट नहीं आएगा। दोस्तों, फ्रिज की बॉडी में करंट आने वाली हमने दो तीन जगह प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो हम वहाँ पर सिंपल से कुछ नहीं किया है, ये देख रहे हैं कि ये फ्रिज की लीड वायर है, तो यहाँ पर हम इस वायर को सिर्फ काट कर इसे पलटी कर दिए हैं, ये ब्लैक को काट के रेड में लगा दिए हैं और रेड को काट के ब्लैक में लगा दिए हैं। इस तरह से लगाने के बाद हम जब फ्रिज को चालू किए तो फ्रिज की बॉडी में करंट नहीं आ रहा था, वहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था और फ्रिज अच्छे से आज तक भी चल रही है। दोस्तों, इस तरह से प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और आपकी काम में आए तो इसे अपनों के साथ शेयर करना। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।